बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मैं आपको पेंसिल टॉपर बनाना सिखाऊंगी क्रोशे का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हुक नंबर 4 ले ली है और 4 प्लाई ऊन ले ली है। चार स्टिच ले लेंगे हम। इस तरह हम राउंड सा बना लेंगे और फिर इस राउंड के इर्द गिर्द हम स्टिच लेते जाएंगे तो हमारा राउंड सा बन जाएगा। हर स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया लेना है। ये देखिए, हर स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशिया लेते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह राउंड पूरा बनता जाएगा। देखिए, हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह हमारा ये राउंड इस तरह बनता जाएगा। इसको अब हम थोड़ा सा टर्न करके सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे करके आपने इसको सीधा कर लेना। ये गोल सही बन गया। इसको हम अंदर धागे को कर लेते हैं, हमारा काम इजी हो जाए ज़रा। अब इधर से हम ऐसे पकड़ के ये बनाते जाएंगे। मैं आपको पेंसिल का वो करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह हमारा बन जाएगा। ये पेंसिल का ऊपर टॉपर सा बन जाएगा। बना के दिखाती हूँ आपको। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है मेरा चैनल, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये देखिए, इस तरह हम बनाते जाएंगे। जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी ना इसकी, कि हमने इतना लंबा करना है, उतना हम बना लेंगे इसको।
देख लेते हैं कि हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर पेंसिल के हिसाब से ये देखें, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इधर फ्लावर बना के लगाएंगे, इसको हम अब फिनिश करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियोस भी देख लें, उसमें मैंने शुरू से मेन स्टिचेस बताए हुए करने, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। उर्दू में है, सबने मुझे कहा था उर्दू में बनाएं, तो इसलिए मैंने उर्दू में बनाया है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देख लिया कीजिएगा। पिछली वीडियोस भी देख लिया करें ताकि आसानी हो जाए। अब हम इधर से काट देंगे, काफ़ी लंबा हो गया, उसको अब फ्लावर बनाते। मैं ये पिंक कलर ले रही हूँ, पिंक कलर का हम फ्लावर बनाएंगे। पहले हम बना लेंगे रिंग, हमने रिंग बना लिया। अब इस पे हम छोटा सा फ्लावर बनाते हैं, थ्री स्टिच में ले लूँगी और डबल क्रोशिया करूँगी। मैं फ्लावर बनाने के लिए मैं डबल क्रोशिया लूँगी। अब फिर मैं तीन स्टिच लेके इसकी पत्ती कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, इसकी पत्ती फ्लावर की कंप्लीट हो गई। अभी मैं तीन स्टिच लूँगी, दरमियान में मैं दो डबल क्रोशिया लूँगी, दो डबल क्रोशिया। शुरू में स्टार्ट में थ्री स्टिच चेन और फिर हम एंड में तीन स्टिच लेके और इस पत्ती को कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं तीन स्टिच लूँगी और डबल क्रोशिया लूँगी।
ये देखें कंप्लीट हो गया फ्लावर। अब इसको हम फ्लावर को इसके साथ हम जोड़ लेते हैं। देखें इसके साथ मैं इसे अटैच कर लूँगी। बेशक आप उससे यूज स्टिक से बेशक कर लें, लेकिन मुझे इससे पसंद है क्योंकि इससे मजबूत काम होता है, तो मैं इससे करूँगी। और ग्लू के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। अब इसी तरह बहुत सी मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। फ्लावर्स के अलावा आप गाड़ी बना के लगा सकते हैं, बच्चों के कार्टून की शक्लें बना कर लगा सकते हैं। ये बस नीचे टॉपर ऐसे ही बनना है, ऊपर आप जो मर्जी चीज़ें बना के लगा सकते हैं। प्यारा बन गया। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको मेरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।